अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन कुकिंग फॉर यंगस्टर्स किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और स्पेशल सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। वेरी ऑथेंटिक रेसिपी, वेरी इजी रेसिपी, बिल्कुल जो है बाजार के स्टाइल की रेसिपी है। आपने इसको जरूर ट्राई करना है। आपने क्या करना है, हाफ के जी जो है मटन ले लेना है, ठीक है। मटन को साफ करने का जो है तरीका मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आपने उसको भी फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उसको नहीं देख पा रहे तो आपने क्या करना है, ज़रा गर्म पानी के साथ अच्छे से मटन को वॉश कर लेना है, ठीक है, ताकि मटन की जो हमक है, जो स्मेल है, वो जो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसमें जाएंगे 3 अदर टमाटर, ठीक है। इसी के साथ जो है इसमें जाएगा 1 बंच जो है लहसुन का जाएगा। लहसुन ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। इसी के साथ इसमें जो है 3 प्याज जाएंगे, ठीक है। ये चलेगा 3 प्याज। ये बिल्कुल बाजार की रेसिपी है, आपने इसको जरूर फॉलो करना है। बहुत मजे की ये जो है कढ़ाही बनती है, मटन की कढ़ाही, ठीक है। ये बेसिकली मेरी मेड जो है जरा बीच में ऐसे कर जाती है, सो आई एम सॉरी, ठीक है। इसी के साथ जो है इसमें जाएगा पानी। पानी आपने जो है अपने मटन के हिसाब से डालना है। मेरा मटन इस दफ़ा ज़रा सा जो है बड़ा आ गया था, बकरा बड़ा था साइज में, इस वजह से ये जो है ज़रा टाइम लेता है, ठीक है। तो आपने जो है अपने हिसाब से मटन के लिए, मटन को गलाने के लिए पानी ऐड करना है। आपने इस पानी को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने जो है मटन को अच्छे से गला लेना है। बेसिकली इसमें जो है जस्ट लहसुन, प्याज और जो है टमाटर गए हैं, साथ में मटन गया, कोई स्पाइस नहीं अभी ऐड करना, कुछ और ऐड नहीं करना, जस्ट कुकर लगा के अच्छे से मटन को जो है गला लेना है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से गलाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है कुकर को लगा दिया, जस्ट गोश्त गलाना है, ठीक है। मटन को जो है ऑलमोस्ट 90% गलाना है, 100% मटन को अभी नहीं गलाना, ठीक है। तो आपने जो है ये इस पानी को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, जस्ट गोश्त गला लेना, ठीक है। मिलते हैं गोश्त गलाने के बाद। नाउ व्यूअर्स, यू कैन सी गोश्त को जो है मैंने अच्छे से गला लिया है, ठीक है। अब इसको जो है आपने एक कढ़ाही में निकाल लेना है। बेसिकली ये जो है कढ़ाही स्पेशल जो है कढ़ाइयों के लिए मिलती है, ठीक है। इसको जो है आपने बाजार से परचेज कर लेना है। ये बाजार में जो है ईजीली अवेलेबल होती है, आपने इसको बाजार से ले लेना है, ठीक है। और इसमें जो है आपने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। ये देखिए लहसुन, प्याज, टमाटर, ठीक है, अच्छे से घुल चुके हैं। टमाटर जो बिल्कुल साबुत डाला था, जिसकी वजह से जो है उसका जो है छिलका, स्किन बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से जो है आपने टोंग की मदद से उठा लेनी है, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आपको जो है मैं टमाटरों का छिलका भी निकालना बता ही देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने पानी को जो है बॉयल होने के लिए रख देना है। जब पानी बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो आपने उसमें जो है टमाटर ऐड कर देना है, ठीक है। 1-2 मिनट के बाद आप देखोगे कि उसकी जो है स्किन वो फट जाएगी, ठीक है। साथ ही जो है आपने टमाटर को रिमूव कर लेना है और उसका जो है छिलका उतार लेना है, ठीक है। दिस इज़ द मैथड, वेरी ईजी, वेरी ऑथेंटिक। आपने इसको जो है ज़रूर ट्राई करना है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इसी तरह टमाटरों को जो बीच में रख दें, उसकी जो स्किन फट जाएगी, वो टोंग की मदद से आप ऊपर उठा लें, ठीक है। टमाटरों का छिलका बीच में बिल्कुल नहीं रहने देना, दिस इज़ द मेन पॉइंट। अब इसको जो है गोश्त को गलाने के बाद इसको आपने कढ़ाही में निकाल लेना है, ठीक है। ये कढ़ाही जो है स्पेशल कढ़ाही बनाने के लिए बाजार से मिल जाती है, आपने इसको परचेज कर लेना। जब आपने इसमें डालना है तो जो है बिल्कुल फ्लेम हाई होना चाहिए, फ्लेम को बिल्कुल भी जो है ज़ीरो अप नहीं करना या स्लो नहीं करना, जितना आपका फ्लेम हाईएस्ट है वो जो है आपने रखना है, ठीक है। इस कंडीशन में जो है इसमें जाएगा, ये देखिए, जो है क्रश्ड रेड चिली, टर्मेरिक, सॉल्ट, ठीक है, जूलियन अदरक और जो है गोल कटी हरी मिर्च, ये सब चीज़ें जाएंगी। स्पाइसेस जो है थोड़े से आप सोच रहे होंगे कि कम रखें, ये कम नहीं है, इसमें ब्लैक पेपर भी अभी जाना है, ठीक है। सॉल्ट जो है वो थोड़ा मैंने कम अभी रखा है, क्योंकि कम चीज़ का जो है इलाज हो सकता है, बट अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब चला गया। इसी के साथ ही जो है इसमें जाएगा ऑयल, ठीक है। 1/2 kg मटन था, 1 पाव जो है ऑयल जाएगा। ये ऑयल चला गया, बिल्कुल फ्लेम हाई रखना है।
ये जो सारे का सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे होगा। पहले जो अच्छे से गोश्त को गला लेना है, फिर जो है ये आपने काम करना है। ये बिल्कुल बाजार वाली रेसिपी है, ये मैंने बहुत मुश्किल से ली है, बट मैं आपको बहुत इजीली दे रही हूँ। मेरे पेज पे और भी काफ़ी सारी रेसिपीज पड़ेंगे, आप काइंडली उनको भी ज़रूर ट्राई किया करें, अपना फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि जो है मेरा चैनल कैसा जा रहा है, मुझे क्या प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। मुझे आप अच्छे अच्छे मशवरे भी ज़रूर दिया करें, बट काइंडली मेरे जो है चैनल पे कोई भी ऐसा वैसा कमेंट करने से पहले ज़रूर सोच लिया करें। आई डोंट लाइक एनीथिंग जो कि मेरे अगेंस्ट हो, ठीक है। लास्ट टाइम एक कमेंट था, बहुत ही अजीब सा कमेंट था, सो प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग्स। मैं अपना चैनल जो है बहुत साफ सुथरा चला रही हूँ, तो काइंडली कमेंट ऐसा वैसा करके मेरे चैनल को जो है हार्मफुल नहीं करें। अब इसमें जो है ऑयल जाने के बाद बिल्कुल हाई फ्लेम, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो फ्लेम पे जो है एक दो कोयले रख दें। सेम बाजार जैसी कढ़ाही में से हमक आएगी, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट टिप। हम अक्सर कहते हैं ना, बाजार वाले पता नहीं क्या डालते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, उनके जो है खानों में से टेस्ट ही अलग होता है। बेसिकली उनके जो है चूल्हे बिल्कुल हाई होते हैं, और वो जो चूल्हे हैं वो कोयलों के ऊपर बने होते हैं, वो कोयलों की हमक होती है, ठीक है। ऑयल डालने के बाद इसमें जाएगा हाफ के जी का है जो है हाफ पाव योगर्ट, ठीक है, हाफ पाव जो है योगर्ट चला गया। अब इसका जो है पानी बिल्कुल हम ड्राई करेंगे हाई फ्लेम पे, ये देखिए ये सब जो अच्छे से सेटल हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा जो है छिलका नज़र आया, इसको भी जो है मैं रिमूव कर देती हूँ। ये बिल्कुल जो है अच्छे से ऊपर आ जाएंगे, आपने इजीली उठा लेना है, आपको कोई लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी इजी, वेरी क्विक मेथड। इस तरह से जो है बाज़ार में कढ़ाही बनती है, जिसके हम बिल्कुल फ़ैन होते हैं, और हम दूर दूर से जाके जो है दूर दराज जाके हम ये कढ़ाइयाँ खाते हैं, वो बेसिकली ये चीज़ होती है। अभी इसके स्पाइसेस थोड़े से कम हैं, वो इसमें जाएंगे। अब इसका जो है मैं पानी अच्छे से ड्राई करती हूँ, फिर आपके सामने जो है इसकी भुनाई करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब ये बिल्कुल जो है लास्ट मराहिल में है, तो मैंने कहा ये जो है प्रोसेस आपके सामने करूँ। फ्लेम जो है बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक है, इसको जो आपने कंटिन्यूसली हिलाते रहना, क्योंकि अब ये जो है साथ लगेगी, बिकॉज ये जो नॉन स्टिक नहीं है, बाजार वाले जो है कढ़ाही भूनने के लिए नॉन स्टिक यूज़ नहीं करते, इनफैक्ट वो ये वाली कढ़ाही यूज़ करते हैं जो मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इसकी ग्रेवी बनी है, यू कैन वॉच। अब इसका जब जो है ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल देखिए ऊपर आना स्टार्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है जैसे इसका ऑयल ऊपर आने लगे, इसमें जो है दो चम्मच क्रीम के जाएंगे, ये चलेगी क्रीम, ठीक है, हलीम फलों की और पर्स वालों की जो भी अवेलेबल है आपने वो यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छे से जो है इसको मिक्स करके हाई फ्लेम, बिल्कुल हाई फ्लेम, जस्ट एक दफ़ा जो है मटन गला लेना, और उसके बाद जो है सारे का सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे है, क्योंकि बाजार वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब चोचले करते फिर कभी दम किया करें, कभी हाई करें, उन्होंने तो साथ साथ फटाफट काम करना होता है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल हाई फ्लेम, अच्छे से जो है ऑयल ऊपर आ जाएगा, जैसे ही इसका ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट होगा, इसमें जो है ब्लैक पेपर जाएगी, ठीक है, ब्लैक पेपर थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है, रेड इसमें क्रश्ड गई है, पाउडर नहीं डालना, ठीक है। इसी के साथ जो है ये चला गया गरम मसाला, ठीक
देखिए ज़बरदस्त जो है हमारी कढ़ाही रेडी हो चुकी है, ऑयल जो है ऊपर आ रहा है। अब इस कंडीशन पे अगर जो आपके पास अवेलेबल है तो आपने जो है इसमें नूरपुर का बटर ऐड करना है, ठीक है, नूरपुर या ब्लू बैंड जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए बिल्कुल जो है ऑयल ऊपर आ चुका है। इस कंडीशन में जो है इसकी गार्निशिंग के लिए इसमें जाएगी हरा धनिया, ये देखिए बैट से ये हो गया फ्लेम इसका ओ, नाउ दिस इज रेडी, ठीक है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, काइंडली अपना फीडबैक भी दीजिएगा। ये बहुत मज़े की कढ़ाही बनती है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है।